वेलकम टू इनडेप्थ चैनल। दोस्तों, आपने कभी ना कभी स्टेम सेल शब्द तो जरूर सुना होगा। दरअसल स्टेम सेल्स ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर में जितनी भी तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं सभी में बदल सकती हैं। मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। देखिए, दूध से हम पनीर, छाछ, मक्खन, घी और मिठाई, यानी कि बहुत ही अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन इन सभी का मूल तत्व दूध ही होता है। इसी तरह हमारे शरीर की स्टेम सेल से आंखों की कोशिकाएं, कानों की कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, टेंडन, लिगामेंट की कोशिकाएं, बालों और नाखूनों की कोशिकाएं, कार्टिलेज, सिनोवियल फ्लूइड जो कि जोड़ों में चिकनाई बनाकर रखता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, एनीमिया और अनुवांशिक रोगों में भी ये कोशिकाएं काम आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेम सेल्स शरीर की हर अलग अलग कोशिका में बदल सकती है और इसीलिए ये इतनी महत्वपूर्ण होती है। अब आप सोचिए कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स यानी कि वो कोशिकाएं जो तब बन रही होती हैं जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तब ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स पूरे इंसानी शरीर को ही बना देती हैं। तो इन्हें आप हमारी बॉडी को बनाने वाला रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत थोड़ी सी स्टेम सेल्स डिवाइड यानी कि विभाजित होकर बहुत बड़ी संख्या में कोशिकाओं का निर्माण कर सकती हैं। अब जो आज का हमारा टॉपिक है यानी कि स्टेम सेल बैंकिंग, ये पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है और ये क्या है, चलिए हम इसे ही जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टेम सेल्स हमारे शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं में बदल सकती है और इसीलिए इतनी ज़रूरी भी है। स्टेम सेल बैंकिंग का पूरी दुनिया सहित भारत में चलन इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आज नई नई बीमारियाँ सामने आ रही हैं, चाहे वो जेनेटिक हो, लाइफस्टाइल से जुड़ी हो या फिर वातावरण से, जैसे कि प्रदूषण से होने वाली बीमारियां। ऐसे में यदि बच्चे को भविष्य में कोई बीमारी होती है तो स्टेम सेल्स की सहायता से उसे ठीक किया जा सकता है और इस पर बहुत बड़ी संख्या में शोध भी किए जा रहे हैं। तो हमें यह तो पता चल गया कि स्टेम सेल्स बैंकिंग इसलिए भी ट्रेंड में है क्योंकि यह कैंसर जैसे भयानक रोगों तक में काम आती है। अब सवाल यह आता है कि स्टेम सेल्स हमें कहाँ से मिलते हैं। तो देखिए, वैसे तो हमारी बॉडी के हर टिश्यू में स्टेम सेल पाए जाते हैं, लेकिन ये उतने कैपेबल नहीं रह जाते। दरअसल आज कई शहरों में माता पिता नवजात बच्चों की कॉर्ड, जिसे आप हिंदी में नाल भी कह सकते हैं, इससे निकलने वाला ब्लड सेव करवा रहे हैं। और ऐसी कई संस्थाएं जो कि यह काम कर रही है, जैसे कि लाइफ सेल। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये ट्रेडिशन भारत में भी बिल्कुल नया है, लेकिन ऐसे लोगों को अब अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है क्योंकि ये ट्रेडिशन हमारे भारत में हजारों सालों से रहा है कि नवजात बच्चों की कॉर्ड को कई सालों तक सेफ रखा जाता है। लेकिन हमारे देश की मेडिकल कम्युनिटी ने कभी इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया और हमेशा वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो करती रही। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। वेस्टर्न मेडिकल एजुकेशन एंशियंट इंडिया के रिलीजियस और आयुर्वेदिक टेक्स्ट में आधुनिक दवाओं और बीमारियों को खत्म करने के नए तरीके खोज रहे हैं, वेली अलग बात है। लेकिन जो बच्चे का कॉर्ड होता है और उसमें जो ब्लड होता है वो स्टेम सेल से भरा हुआ रहता है। और आज भारत में ऐसे कई मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं जो कि इस ब्लड को सेव करने का काम कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए ये कुछ पैसा ज़रूर लेते हैं, लेकिन ये पैसा बच्चे को भविष्य में होने वाली बीमारियों से काफ़ी सुरक्षित रख सकता है। अब सवाल उठता है कि स्टेम सेल्स को हम कब तक सेफ रख सकते हैं। तो इसका जवाब है, वैसे तो स्टेम सेल्स अमर होते हैं सही वातावरण मिलने पर, या अनलिमिटेड टाइम तक भी स्टोर किए जा सकते हैं, लेकिन अभी इनकी इफेक्टिविटी 25 सालों तक मानी गई है, यानी कि ये 25 सालों तक ही ठीक काम करते हैं, उसके बाद डिग्रेड होने लगते हैं। स्टेम सेल्स बैंकिंग भारत में भी काफ़ी महंगी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा लोगों में जागरूकता आएगी, वैसे वैसे इसका ट्रेंड और भी बढ़ता जाएगा और ये एक आम बात हो जाएगी जिससे कि बच्चों को कई गंभीर रोगों से बचाया जा सकेगा। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। स्टेम सेल्स के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज़ में भी जानकारी लेते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।